तो दोस्तों आज के इस स्पेशल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीडियो स्पेशल क्यों है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने YouTube की अर्निंग, मतलब मैं YouTube से महीने में कितना कमा लेता हूं। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो 0 से लेकर के 1 लाख सब्सक्राइबर तक मैंने अभी तक YouTube से कितना अर्निंग किया है, कितना टाइम मैंने YouTube पे दिया, कितने टाइम तक मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये सभी कुछ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। देखो, जब मैं खुद एक यूट्यूबर था, मतलब जब मैं वीडियोस को देखता था, यूट्यूबर बनना चाहता था और वीडियोस को देखता था, तब मैं ज्यादातर इसी टाइप के वीडियोस देखता था जिसमें यूट्यूब से रिलेटेड अर्निंग बताई जाती थी। अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो, अगर आपके अभी सब्सक्राइबर कम है, यूट्यूब से आप अर्निंग उतना नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप एक यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हो, तो इस टाइप के वीडियोस आपको बहुत पसंद आते हैं। मैंने भी देखा है इस चीज को कि बहुत सारे लोग इस टाइप के वीडियोस को जिसमें अर्निंग बताई जाती है वो वीडियो देखते हैं। तो आप इस वीडियो को आगे तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं 0 सब्सक्राइबर पे अपने चैनल को बनाया था और आज मेरे 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं कितना अर्न कर लेता हूँ, महीने के कितने पैसे कमा लेता हूँ यूट्यूब से, और अभी तक टोटल मैंने कितने पैसे कमाए हैं, उस हिसाब से आपको यूट्यूब पे आना चाहिए या नहीं, आओगे तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, वो सभी कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को आगे तक आप जरूर देखते रहना। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिल्वर प्ले बटन का अनबॉक्सिंग भी किया हुआ है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के ऊपर ही बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो को, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो आप सभी का थैंक यू दोस्तों। आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अब आपकी अर्निंग कितनी है, तो सभी चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लो यहाँ से सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं ज्यादा घुमाना फिराना नहीं चाहूंगा आप लोगों को, डायरेक्ट डायरेक्ट आता हूँ मैं पॉइंट पे। देखो, YouTube पे पैसे कमाने के ना सिर्फ एक ही तरीके नहीं होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सिर्फ एक ही तरीका, जो कि YouTube मोनेटाइजेशन होता है। अब आपको भी पता है दोस्तों कि जब आपके पास में ऑडियंस आ जाते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके वीडियोस पे अच्छे व्यूज आते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तब आप अर्निंग कमा सकते हो। बहुत सारे तरीके आपके लिए खुल जाते हैं, जब आपके साथ में लोग हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा आप यहाँ पे इजीली कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं उन सभी तरीकों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग हो जाता है, स्पॉन्सरशिप हो जाता है, बहुत सारे तरीके हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन के थ्रू, मतलब कि यूट्यूब पे जो वीडियोज चल रही है उसके ऊपर जो एड आता है उससे कितने पैसे की अर्निंग मेरी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मंथली अर्निंग की बात करूँ, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब पे जब चैनल बनाया था, तो आज मुझे टोटल 3 साल हो गए चैनल को बनाए हुए, लेकिन आपको पता होगा पिछले 6 महीने से मैं अपने चैनल पे रेगुलर नहीं था। और पहले भी बहुत बार ऐसा है कि मैं चैनल पे रेगुलर नहीं रहा हूँ, कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं महीने महीने तक एक भी वीडियो नहीं डालता हूँ, तो ये सभी चीजें हुई है। ऑडियंस रिटेंशन मुझे उतना अच्छा नहीं मिलता है, मैं वीडियोस डाल देता हूँ उसके बाद में भी वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, तो ये सभी चीजें तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मेरी ऐसी वीडियोस है ना जो बहुत अच्छी खासी चली है, जिसमें मिलियंस में व्यू है, तो वही सभी वीडियो से मुझे अर्निंग आती है। बाकी जो अभी रेगुलर वीडियोस है वो तो उतनी नहीं चलती है, लेकिन मैं मतलब ऐसे कंटिन्यू रहूंगा यूट्यूब पे और वापस से कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए और वापस से मेरी सभी वीडियोस चलने लगे। चलो दोस्तों फाइनली बात करते हैं अर्निंग की। तो यहाँ पे मुझे जो मंथली अर्निंग होती है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मंथली अर्निंग मेरी यहाँ पे जो है वो है $63 की। यहाँ पे $63 मैं महीने के कमाता हूँ, मतलब लमसम अगर आप इसको हिसाब करते हो, जो कि अभी फिलहाल इंडियन रुपीस के साथ हिसाब करते हो, तो 4 से 5 हज़ार का एक एवरेज आता है जो मैं महीने के यूट्यूब से कमा लेता हूँ। और यूट्यूब पे मुझे काम करते हुए 3 साल हो गए, जिसमें से मैं 2 साल ही कंसिडर करता हूँ, साल भर मैंने उतना ज्यादा मेहनत नहीं किया यूट्यूब पे और रेगुलर भी नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मेरी जो अभी तक की टोटल अर्निंग है 1 लाख सब्सक्राइबर तक की वो है यहाँ पे दोस्तों $1622। यानी कि $1622 अगर आप इसको 70-75 से इंटू कर लोगे तो ये 1,20,000 के आसपास होता है। तो मैंने इतने पैसे यहाँ पे कमाए हैं, तो अगर आप एक एवरेज निकालते हो तो हर महीने यूट्यूब से मैं 4 से 5 हज़ार रुपए यहाँ पे कमा लेता हूँ। हाँ, अब जरूरी नहीं है आप भी इतने ही पैसे कमाओगे, इससे भी ज्यादा पैसे आप दोस्तों कमा सकते हो अगर आप YouTube पे रेगुलर रहते हो, अच्छे से वीडियोस बनाते हो, आपके वीडियोस पे व्यूज अच्छे आते हैं,
एक टाइम पे मेरे भी व्यूज अच्छे आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया व्यूज आना, क्योंकि मैं उतना ज्यादा रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आप रेगुलर रहोगे, अच्छे से वीडियोस बनाओगे, तो इससे भी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। अब आप चाहो तो दोस्तों एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी खासी कमाई है इसमें, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैं दिन के ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे इन्वेस्ट करता हूँ यूट्यूब पे, और यहाँ पे बस सब कुछ चल रहा है, आप सभी का प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशन मिल रहा है इस वीडियो को देख करके, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।